क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि हम सब एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जिसे हम मरने के बाद भी एस्केप नहीं कर सकते। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली। इस दिन एक ऐसी लड़की का जन्म होता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को शॉक करने वाली थी। और नहीं, इसकी नौकरी बिजली विभाग में नहीं लगती है। इस लड़की का नाम था शांति देवी। ईडी टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक जब शांति देवी 4 साल की हुई, यानी जब उसने बोलना शुरू ही किया था, तभी से वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म की बातें कहने लगी थी। वो अपने माता पिता से अपने असली घर, असली माता पिता के बारे में बताती थी। अब भाई ये सुनकर तो उसके माता पिता का दिमाग घूम गया कि भाई उसके असली माता पिता तो हम हैं, तो फिर हमारी बेटी ये किसके बारे में बात कर रही है। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में भी अपने दोस्तों को अपने पिछले जन्म की कहानियाँ बताया करती थी। शांति देवी ने बताया कि उसके पति मथुरा में रहते हैं और उनका एक बेटा भी है। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी कभी कभार मथुरा के लोकल लैंग्वेज में भी बात किया करती थी। अब इसमें सबसे अजीब बात ये थी ना कि ये सब एक 4-5 साल की बच्ची बोल रही थी। जिस उम्र में बच्चे दुनिया को जानना शुरू करते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, उस उम्र में अगर कोई बच्ची अपने पिछले जन्म की कहानियाँ बताए तो ये तो बिल्कुल भी हजम नहीं होता। शांति देवी की बातें सुनकर, उसकी हरकतें देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को ऐसा क्या हुआ है या ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। ये सारी बातें सुनकर एक दिन शांति देवी के एक दूर के रिश्तेदार बाबू बिचन चंद्र उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने शांति देवी से बात की और कहा कि अगर वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताते हैं तो वो उसे मथुरा ले जाएंगे। शांति देवी ने अपने पति का नाम बताया जो था केदारनाथ चौबे। शांति देवी ने अपने माता पिता से कहा कि पिछले जन्म में उनका नाम लुगदी देवी था। उसने अक्टूबर 1925 को एक बेटे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि शांति देवी ने अपने सारी ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियाँ भी दी। शांति देवी ने ना सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया बल्कि ये भी बताया कि वो कैसे दिखते थे। शांति देवी ने बताया कि उसके पति चश्मा लगाते थे, गोरे थे और उनके बाएं गाल पर एक मसा था। उसके बाद बिचन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को एक चिट्ठी लिखकर पूरी कहानी बताई। केदारनाथ ने चिट्ठी के जवाब में लिखा कि शांति देवी जो भी कह रही है वो सब सच है। बिचन चंद्र और शांति देवी दिल्ली में ही रह रहे केदारनाथ के एक भाई कांजीवन से मिले। शांति देवी ने कांजीवन को तुरंत ही पहचान लिया कि ये केदारनाथ के भाई हैं। उसके बाद केदारनाथ अपने बेटे जिसे जन्म देने के बाद शांति देवी की मौत हो गई थी, उसके साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। लेकिन दोनों को शांति देवी से अलग अलग मिला गया था। केदारनाथ ने शांति देवी से एक झूठ भी कहा था कि वो केदारनाथ का बड़ा भाई है, लेकिन शांति देवी ने उसका झूठ पकड़ लिया और उसे तुरंत ही पहचान लिया। और इसी तरह केदारनाथ के बेटे को भी ऐसे ही करके मिलाया गया था, लेकिन शांति देवी ने उसे भी पहचान लिया। अब एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची ये सब कैसे समझ पा रही थी, बस यही सवाल केदारनाथ के मन में भी चल रहा था। इसलिए उसने अकेले में शांति देवी से बात की। बाद में उसने खुद ये माना कि लुगदी देवी ही केदारनाथ है, मतलब कि वो लुगदी बाई ही है। केदारनाथ का ये कहना था कि शांति ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो लुगदी बाई के अलावा कोई और नहीं जानता था। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रहकर वापस मथुरा लौट गए, जिसकी वजह से शांति देवी दुखी हो गई और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा ले चलने की जिद करने लगी। शांति देवी ने दावा किया कि वो अपने पुराने घर का पता उनको बता सकती है। उसने ये भी कहा कि उनका एक पैसों से भरा डब्बा भी उस घर में गड़ा हुआ है। अब तक ये घटना आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। पैसे वाली नहीं, शांति देवी के पिछले जन्म की घटना। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में लुगदी बाई का पुनर्जन्म हुआ था। और जब इस केस के बारे में गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कुछ रिसर्चर्स को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लगा दिया। 15 नवंबर 1935 में शांति देवी कई रिसर्चर्स के साथ मथुरा के लिए निकली। रिसर्चर्स ने शांति देवी को मथुरा के एक अजनबी इंसान को दिखाया। शांति देवी ने उसे देखते ही उसके पैर छुए। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को भी पहचान लिया। शांति देवी ने यह भी बताया कि घर पर कहां पैसा छिपा है। जब शांति देवी के बताए हुए जगह पर छानबीन की गई तो वहां सिर्फ एक गमला था, लेकिन शांति देवी को यह पूरा विश्वास था कि पैसे वहीं थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उसने ही पैसे निकाल लिए थे।
फिर बाद में सभी ने ये माना कि शांति देवी ही लुगदी बाई है। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं है पुनर्जन्म की, बल्कि और भी ऐसे ही कई सारे केसेस मौजूद हैं। अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ अब आप इमेजिन करो, आप पैदा होते हो, पढ़ाई पूरी करते हो, नौकरी करते हो, अपना घर बसाते हो, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, उनकी शादियां करते हो, फिर आप रिटायर हो जाते हो, फिर आप बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन मर जाते हो। उसके बाद फिर आपका पुनर्जन्म होता है और ऐसे ही लगातार ये साइकिल चलता रहता है एक लूप की तरह अनंत समय तक। यहाँ तक कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद ये कहते हैं कि इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है। आत्मा को ना ही कोई काट सकता है, ना ही कोई मार सकता है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है, ठीक उसी तरह शरीर के मर जाने पर आत्मा शरीर बदलती है। यानी आप और मैं, हम सब एक जीवन मृत्यु के चक्र में फंस चुके हैं। वेल, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।